नमस्कार युवा मित्रों, आदमी जब किसी भी बिजनेस को करने की मन में ठान लेता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। और बिजनेस चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस आदमी कर सकता है। और आज मैं जो आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ वो बिजनेस तो ऐसा है, इसमें आप छठी आठवीं पास हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस आप गांव में कर सकते हैं, ये बिजनेस आप शहर में कर सकते हैं, ये बिजनेस बहुत ही कम पूंजी से आप कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि आप इसमें चाहे जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उस बिजनेस का नाम है किराने का स्टोर। ये जब तक जीवन रहेगा, देखिए मित्रों, इस संसार में जब तक जीवन रहेगा आदमी को किराने के जनरल स्टोर की जरूरत रहेगी। और ऐसी स्थिति में चाहे लॉकडाउन हो या और कोई डाउन हो, जब भी कोई डाउनफॉल आता है किराने की दुकान हमेशा चलती रहती है। इसमें कहीं कोई डाउनफॉल नहीं आता क्योंकि आदमी को दो तीन टाइम भोजन करना पड़ता है और उसमें किराने के सामान के बिना उसका जीवन का गुजारा होना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किराने का स्टोर क्या होता है, किराने का स्टोर कौन खोल सकता है और किराने के स्टोर में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत आती है और किराने के स्टोर में कितना परसेंट का मुनाफा होता है और इसकी किराने का स्टोर खोलने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया क्या क्या है उनसे गुजरना होता है और किराने के सामान में क्या क्या सामान आता है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है और किराने के स्टोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ ही किराना बिजनेस की कुछ टिप्स बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो में लगभग 13 से 14 मिनट आपको बने रहना जरूरी है। यदि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सज्जनों, पहली बात आती है कि किराने का स्टोर कौन खोल सकता है। आप यदि 18 से 21 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, कहीं के भी हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं आप। इसमें कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है और यदि आपको इस मामले में थोड़ा अनुभव है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको 9 2 11 जोड़ने घटाने आने चाहिए और फिर यह बिजनेस आप कर सकते हो। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कहाँ पे करना चाहिए। देखिए मित्रों, किराने का स्टोर आप अपनी गली में खोल सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं आप घर के पास में खोल सकते हैं, आप अपने घर, आपका यदि घर मेन रोड के ऊपर है तो वहां भी आप घर के अंदर दुकान बना करके जहाँ आपकी रोड पर ग्राहक आ सकें वहां भी खोल सकते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया लोकेशन होती है मेन चौराहे के ऊपर। यदि आपकी कहीं कोई दुकान मिल जाती है, आपको किराए पर मिल जाती है, आपकी किराए की दुकान ले सकते हैं आप इसके लिए। आपकी स्वयं की दुकान हो तो और ज्यादा अच्छा है और नहीं हो तो आप किराए की दुकान लेकर के भी ये बिजनेस कर सकते हैं। अब किराने की दुकान में सामान क्या क्या आता है, ग्रोसरीज का सारा सामान इसमें आता है, हेल्थ प्रोडक्ट सारे आते हैं इसमें, बिस्कुट से लेकर चाय पत्ती तक सारे आते हैं किराने में। जितने भी घर में आपकी रसोई में जितनी चीजें हैं वो सब किराने में आती हैं, यानी फूड प्रोडक्ट्स जितने के जितने हैं वो सब किराने की दुकान में आते हैं। चाहे वो चावल हो, चाहे वो मसाला हो, चाहे मान लीजिए इलायची हो, काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, ये सब किराने की दुकान में आराम से मिलते हैं। और एक नहीं, इसमें हजारों की संख्या में आइटम होते हैं। सबसे बढ़िया बात इसमें ये होती है कि ये सुबह 7 बजे आप दुकान खोल के बैठ जाएंगे और रात को 11 बजे तक दुकान आपकी खुली रहेगी तो भी ये बिजनेस आपका चलता रहेगा, क्योंकि हर आदमी को जरूरत होती है। माचिस से लेकर नमक तक की जरूरत आदमी को 24 घंटे पड़ती रहती है। और ऐसी स्थिति में ये बिजनेस करके आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोग जो आज से 50 साल पहले, मेरी एज 70 साल हो गई बंधुओं, और मैंने 50 साल पहले एक लड़के को, मेरी उम्र के लड़के को, उस समय मैं भी 20 25 साल का, 22 साल का था, तो उस समय
मैंने देखा था साधारण सी छोटी सी दुकान लेके वो एक चौराहे की दुकान पे बैठे थे, और आज उनका करोड़ों का बिजनेस चलता है। उसी दुकान के पेटे उन्होंने मार्केट में कई दुकानें खरीद ली, और वो जो दुकान थी उनकी गली में थी। अब उनका तरीका क्या था? शानदार आइडिया है, सुनिए आप इसको, आराम से सुनिएगा तभी आपके समझ में आएगा। उनका बिजनेस चलने का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने जो अपने कस्टमर्स की लिस्ट बनाई उसमें उन आदमियों को लिया जो सर्विस कर्मचारी थे, यानी सरकारी नौकरी करने वाले आदमी थे, जिनको 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में पेमेंट होना ही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। ऐसे काम करने वालों की लिस्ट बनाई उन्होंने अपने कस्टमर्स की, और उसमें कम से कम 300 कस्टमर्स उन्होंने जोड़ लिए ऐसे। और वो क्या करते थे, हर कस्टमर को एक कॉपी बना के दे देते थे, इस कॉपी में आप लिस्ट बना के हमें दीजिए कि ये सामान आपको खरीदना है। तो वो 1 से 5 तारीख के बीच में अगला कर्मचारी आता, वो कॉपी पकड़ा के चला जाता सुबह, इतना इतना सामान उस कॉपी में, और उसी कॉपी में वो अपनी रेटें लिख देते, और शाम को उनको सारा सामान रेडी के द्वारा उनके घर पहुंचा देते। और अगले महीने की 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक को उनका पेमेंट होता था, यानी जब सैलरी मिलती थी तब उनका पेमेंट होता था। तो 1 महीने की उधार देते थे वो, और उस उधारी 1 महीने की उधारी के पेटे उनका बिजनेस इतना चलने लग गया कि आजकल उनको अलग से बुकिंग करने के लिए एक कर्मचारी को बैठाना पड़ता है, और 10ों कर्मचारी उनकी दुकान में सामान को पैक करने के लिए, तोलने जोखने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए 10ों कर्मचारी उन्होंने रख रखे हैं, और दिन भर लाइन लगी रहती है। आप मानिए नहीं, उस समय उनके पास 300 के लगभग कस्टमर थे, धीरे धीरे जोड़ते गए वो, और आज उनके पास हजारों कस्टमर हैं, और दुकान में सुबह से लेकर शाम तक लोग इंतजार करते रहते हैं। उनकी दुकान का शटर खुला नहीं और ग्राहकों की लाइन लगी नहीं, और जब वो शटर बंद करते हैं रात को शाम को, उस समय भी दुकानदार उनको ये कहना पड़ता है कि आपका लाना। ऐसी स्थिति है उनकी। तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें लागत कितनी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लगता है। तो देखिए बंधु, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें कोई ज्यादा नहीं लगता है, आपको थोड़ा सा फर्नीचर बनाना पड़ता है, पास में दुकान के पास में आपको एक गोदाम लेनी पड़ती है जो किराए की हो सकती है या आपकी खुद की हो सकती है, और फिर ये बिजनेस चलने लग जाता है। फर्नीचर में कोई विशेष नहीं लगता है, आजकल फर्नीचर रेडीमेड भी आते हैं, तो आप उनको लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और यदि आप अपना काउंटर वगैरह बना के उस हिसाब से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें लागत कितनी आती है। तो लागत देखिए बंधु, किसी भी बिजनेस को आप करेंगे तो आज के ज़माने में 8 से 10 लाख रुपए लगना साधारण सी बात है। ये बिजनेस भी आप करेंगे, यदि आप थोड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, या गली नुक्कड़ में ही दुकान करना चाहते हैं, तो ये लाख रुपए में भी शुरू किया जा सकता है, और थोड़ा ठीक ठाक करना चाहते हैं तो 10 लाख में शुरू किया जा सकता है, और बड़ा कोई स्टोर आप खोलना चाहते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों रुपये भी लगा के आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको मुनाफा कितना होगा। सॉरी, देखिए मित्रों, किसी भी बिजनेस को आप करेंगे तो बिजनेस के दो ही पहलू होते हैं। क्यों किया जाता है बिजनेस? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कहाँ मिलता है? जिस बिजनेस में पैसा मिलता है उसी में आदमी बिजनेस करता है। तो इस बिजनेस में भी आपको मुनाफा मिलेगा, और मुनाफे मतलब जनरल स्टोर में वो आइटम्स होते हैं जिन आइटम्स की खूब डिमांड होती है। तो खूब डिमांड होती है उन आइटम्स में आपको कम मुनाफा मिलेगा, और जिनकी कभी कभार डिमांड होती है उनमें अच्छा मुनाफा मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि उनमें आपको 30 से 40% भी मिलता है, और जिनकी खूब डिमांड होती है उनमें आपको मार्जिन एक लिमिटेड मिलता है, मगर एवरेज आप यदि देखेंगे तो 20 से 25% मुनाफा आपको मिल ही जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आपको एक जीएसटी नंबर लेना होता है। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आपका डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ये सारी बातें आप समझते हैं, और इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में आपको जीएसटी नंबर आपको मिल ही जाएगा। जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको और कोई जो भी इसका प्रोसीजर होता है, कोई लाइसेंस वगैरह और लेने होते हैं तो वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मार्केटिंग कैसे करें। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको करना क्या होता है, जो ही आप अपनी दुकान की ओपनिंग करें
तो पूरे मोहल्ले में, गली में या शहर में, जहां भी आप दुकान कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। चाहे आप पंपलेट के थ्रू कर दीजिए, आप विजिटिंग कार्ड छपा सकते हैं, आप लाउड स्पीकर से, आजकल ऑटो रिक्शा वाले लाउड स्पीकर से बोलते हैं, फला फला जगह आज इस स्टोर का शुभारंभ किया जा सकता है, किया जा रहा है, तो इस तरह का आप एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, या आप और किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी ये मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को बढ़ाएं कैसे। तो बढ़ाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बिजनेस को बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका बड़ा शानदार है। आप अपने कस्टमर की वो लिस्ट बनाइए जो कस्टमर महीने के अर्निंग अच्छी कर रहे हों, उन कस्टमर्स को दीजिए, उधार मत दीजिए। उधार यदि देंगे आपका, तो उन कर्मचारियों को दीजिए जो सर्विस करते हैं, और उनको महीने की महीने सैलरी मिलती है। जिन कर्मचारियों को आप चुने वो एकदम संभ्रांत होने चाहिए, अच्छे परिवार से होने चाहिए, उसी तरह के प्रोडक्ट्स आप लाइए, उसी तरह की उनकी जो डिमांड है उसी के हिसाब से आप यदि प्रोडक्ट्स लाएंगे तो आपका बिजनेस अच्छा फलेगा फूलेगा। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी आपके यदि और कोई सवाल हैं, तो आप मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और फिर मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, यानी टोटल 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, जिनमें से एक वीडियो तो डेफिनेटली हर हाल में ही अपलोड होता है। तो उन वीडियोज को देख करके आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चैनल यदि मेरी एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर प्रतिदिन जो वीडियो आते हैं उनको देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, आपके अच्छी तरह से समझ आती है, एक नहीं 20ों वीडियोस देखिएगा, तब आपके समझ में आएगी कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और किस बिजनेस में कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है। देखिए बंधुओं, हर आदमी प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, और बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस के थ्रू पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ यदि आप अपने जीवन को बहुत सी ऊंचाइयां देना चाहते हैं, तो आप अच्छा बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अपना ही नहीं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। यदि आप पिता हैं तो निश्चित रूप से ये बिजनेस शुरू कीजिए, और यदि आप पुत्र हैं तो भी मैं कहूँगा, 21 से 25 साल के हैं आप, तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, और इस बिजनेस को करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स के द्वारा हमें बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।